प्रसव के बाद शासन स्तर पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला चिकित्सालय परिसर स्थित जननी सुरक्षा कार्यालय पर आए दिन ताला मिलने पर लोग निराश होकर वापस लौट रहे हैं। हितग्राहियों ने बताया कि बीते कुछ दिनों से रोजाना कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने पर जानकारी लेने या दस्तावेज जमा कराने पहुंचते हैं, लेकिन कार्यालय पर ताला लगा मिलता है। शिकायत के बाद भी आला अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। सर, ये तो हर रोज ही नाटक है यहाँ पर। जब आओ जब ताला मिलता है, यहाँ पर कोई किसी की सुनवाई नहीं होती है। हर वक्त यहाँ हमको आते और खाली हाथ जाना पड़ता है। जब भी हम टाइम निकाल के आते हैं, हम काम धंधा छोड़ के आते और इनके पीछे यहाँ हो तो यहाँ ताला लगा हुआ मिलता है। यहाँ कोई कहने सुनने वाला है नहीं सर, यहाँ मन मर्जी वाला काम होता है। ये किस लिए आए आप यहाँ? यहाँ डिलीवरी जो फॉर्म होता है, जो योजना का जो फॉर्म भराता है सर, वो फॉर्म भरने आए थे। क्या नाम है आपका? जी अमजद खान। परेशान हो रहे हैं आप लोग? सर, हम 8 से 10 बार आ चुके हैं यहाँ। इसका कोई टाइम नहीं है, ना कोई समय, ना कोई मोबाइल नंबर देता है। 8 बार आके वापस जा चुके हैं। किस लिए आए थे आप लोग यहाँ? ये पेमेंट के सिलसिले में। कौन सा पेमेंट? जो पेमेंट डलता है ना इसका, महिलाओं का? महिलाओं का तो मिलता नहीं आपको यहाँ? समय पे कभी नहीं मिले। ताला लगे रहता का समय देते हैं, 4-4 बजे तक, 3-3 घंटे बैठने के बाद वापस जाते हैं। ये बाहर के लोग भी आते हैं? बाहर के भी लोग अभी 8-10-12 जन तो वापस जा चुके हैं। वो अभी दिन भर यही चलते रहेगा। अब क्या मांग करते हैं आप यहाँ पर? कहीं भी इसका निराकरण हो और समय पे काम हो। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल रशीद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।